वेलकम बैक, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो कैसे हो यार? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल निगेटिविटी, मतलब निगेटिविटी को कैसे हैंडल करें। देखो यार, ये जो निगेटिविटी है ना, ये हर इंसान के लाइफ में आती है, चाहे आप हो, हम हो, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो। भले वो दूसरों को मोटिवेट करता है, भले वो दूसरों को इंस्पायर्ड करता है, भले वो दूसरों को गाइड करता है लाइफ में कुछ करने के लिए, लेकिन उनके लाइफ में भी निगेटिविटी आती है। कभी कभी वो भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी उनको भी मतलब मोटिवेशन का ज़रूरत होता है, ये सच है। और निगेटिविटी चीज़ ही ऐसी है जो आज तक किसी को नहीं छोड़ा इसने, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हर किसी के लाइफ में, स्टूडेंट हो, यूथ हो, किसी के लाइफ में कोई भी इंसान क्यों ना हो, ये आ सकती है और आती ही है। अब इसको हैंडल कैसे किया जाए? देखो यार, इसका ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप, ऐसा कोई आपको नहीं बता सकता कि आप ये काम करो, आपके लाइफ में कभी निगेटिविटी आएगी ही नहीं, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। निगेटिविटी आएगी, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आना भी चाहिए। देखो, निगेटिविटी दैट मीन्स कि आपको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको, आपके बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत बात फैला रहे हैं, आपके बारे में कुछ अफवाह फैला रहे हैं, आपके बारे में लोग कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिसको आपने नहीं किया है ना, आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, आपको लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, सब निगेटिविटी है। इसी को हम लोग निगेटिविटी बोलते हैं। लोगों के ताना सुन के, लोगों के बात सुन के, कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा नीचे गिराने का कोशिश करेंगे। आप कोई काम कर रहे हो लाइफ में, या कोई जॉब कर रहे हो, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का बात कर रहे हो या सोच रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, या कहीं पे भी आप क्यों ना हो, लोग आपको जज करेंगे, आपके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, लोग आपको ब्लेम करेंगे, लोग आपके ऊपर ना मतलब आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके बारे में निगेटिव बात बोलेंगे, आपके बारे में गलत सलत बात बोलेंगे, कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो आप नहीं किए हो। इसी को हम निगेटिविटी कहते हैं। देखो यार, इसको हम दो तरीका से ले सकते हैं। नंबर वन, कि जो लोग हमको निगेटिव बोल रहा है, जो हमको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मेरे बारे में गलत बोल रहा है, मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है, कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो हम नहीं किए हैं और हमको गुस्सा आ जा रहा है। देखो, हर किसी को गुस्सा आता है, ये ऑब्वियस बात है। आप जो काम नहीं किए हो उसके बारे में भी अगर आपको बोला जाए कि नहीं तुम ये किए हो, और वो सामने वाला पर्सन आपको गुस्सा दिला दे वो चीज़ बोल बोल के, तो नेचुरल सी बात है, हर किसी को गुस्सा आता है। लेकिन अब ऐसे में नंबर वन, कि आप या तो उस पर्सन को रिप्लाई देने लगो, उसे लड़ने लगो, उसे झगड़ने लगो, है ना, उसे फाइट करने लगो, अपना सारा एनर्जी, अपना सारा टाइम उसी को रिप्लाई देने में तुम लगा, उसी को जवाब देने में लगा दो। एक तो ये है, और नंबर टू, कि जो कुछ भी आपको लोग निगेटिव बोल रहे हैं, आपके बारे में गलत सलत बात फैला रहे हैं, आपके बारे में निगेटिव कॉमेंट कर रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों का जवाब ही मत दो, सिर्फ और सिर्फ अच्छे वक्त, अच्छे टाइम का इंतज़ार करो। जी हाँ, आप सिर्फ अपने काम से उनको जवाब दो। कुछ अपने ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम करो, कुछ ऐसा बड़ा अपने लाइफ में कुछ करो कि आपको जवाब देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपका काम ही सब कुछ जवाब देगा, वक्त बोलेगा, बोलता है ना कि अपना टाइम आएगा, सुने हो ना। दैट मीन्स कि वक्त को या वक्त के ऊपर छोड़ दो, आप अपने काम पे फोकस होके, जितना लोग तुमको गलत बोल रहा है, जितना तुम्हारे बारे में निगेटिविटी फैला रहा है, जितना तुम्हारे बारे में गलत सलत बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उस सारे गुस्सा को, उस सारे फ्रस्ट्रेशन को काम में लगा दो। और 8 घंटा काम करते थे, अब 12 घंटा करो, 14 घंटा करो, 15 घंटा करो, काम को बढ़ाओ और मेहनत करो। एक दिन ऐसा होगा कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, और वो लोग तुम्हारे बारे में निगेटिविटी फैलाते ही रह जाएंगे, और वो वहीं रह जाएंगे, और तुम इतना दूर निकल जाओगे उनसे, इतने बड़े लेवल तक तुम पहुंच जाओगे जहां तक वो निगेटिविटी तुम्हारे बारे में फैलाना तो छोड़ो, तुम्हारे बारे में तुमको छू तक नहीं पाएंगे, और वो वहीं रह जाएंगे, वही काम करेंगे जो कल कर रहे थे, आज भी वही करेंगे और कल भी वही करेंगे। कल तुम्हारे लिए कर रहे थे, आज भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और कल भी हो सकता है तुम्हारे लिए करें, या तुम्हारे बारे में निगेटिविटी फैलाएं, या किसी और को करें, उनका यही लाइफ, उनका यही ज़िंदगी इतना ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अपने लाइफ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक बेटर इंसान के रूप में उभरोगे, और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और फिर आपको उनको जवाब देने का ज़रूरत नहीं है, उनको रिप्लाई देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम ही, आपका स्टेटस ही, आपका लेवल ही उनको जवाब दे देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को चूज़ करते हैं, नंबर वन वाले को या नंबर टू वाले को। अगर आप नंबर वन वाले को चूज़ करोगे तो आप हमेशा पूरी लाइफ उनको जवाब देते रह जाओगे, क्योंकि आज वो बोल रहा है, हो सकता है कल और निगेटिविटी कोई फैलाए, कल कुछ और कल लोग बोले, परसों कोई और आएगा, कल कोई और आएगा, मतलब लोग आते ही जाएंगे, तो क्या आप पूरी लाइफ उनको जवाब देते ही रह जाओगे कि अपने ज़िंदगी में कुछ करोगे? नहीं। हर किसी को, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जितने भी लोग कुछ लाइफ में किए हैं, या कर रहा लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, उन्होंने किसी को जवाब देने में टाइम वेस्ट नहीं किया। सबको लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, हर किसी को कुछ ना कुछ बोलते ही हैं और बोलते ही रहेंगे, उनका यही काम है। लेकिन लोग उनको छोड़ दिए कि तुम बोल भाई, तुमको जो बोलना है, तुमको जो दिल करे वो तू बोल मेरे बारे में, मेरा जो काम है, जो हमको करना है, हम वो करेंगे, और तू देखना कि एक दिन हम कहाँ होंगे और तुम कहाँ होगे। सिंपल सी बात है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करो। और हाँ, अपना ख्याल रखो दोस्तों।